दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसके बीजों का, जिसकी पत्तियों का इस्तेमाल हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ ही साथ हमारे सेहत और हमारे सौंदर्य से जुड़े हुए हैं ये बीज। ये बीज हैं धनिया के बीज, इसे हम लोग बोलते हैं कोरिएंडर सीड्स। बिना इसके तो हमारा खाना पूरा ही नहीं होता। हम सभी भारतीय रसोई घर में इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाले इन बीजों का बहुत ज़्यादा औषधि महत्व भी है। डाइट्री फाइबर से भरपूर होते हैं। इसे खाने से, इसका इस्तेमाल करने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारे हाजमे को दुरुस्त करते हैं इसके बीज। साथ ही साथ पाचन अच्छा है तो अपने आप कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके बीजों को पानी में उबालकर पीने से पुराना हड्डियों का दर्द, चाहे घुटने का हो, चाहे कमर का हो, चाहे आपके पैरों की एड़ियों का दर्द हो, ज्वाइंट पेन से राहत दिलाता है धनिया का पानी कैल्शियम होने के कारण। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम होने के कारण धनिया के पानी को पीने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। इस तरह से मैंने कुछ को पाउडर बनाकर भी रखा है जिसका इस्तेमाल मैं खाना बनाने में भी करती हूँ, और कई बार जब मैं जल्दी में रहती हूँ ना तो एक चम्मच इस पाउडर को गर्म पानी में डालकर भी लेती हूँ। वजन कम करना है ना, धनिया का पानी पीना स्टार्ट करें, ये इतना फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इसके अलावा जो लोग धनिया का पानी नहीं बना सकते हैं, धनिया का सेवन एक तरीके से और किया जा सकता है। एक छोटा चम्मच ये धनिया ले लीजिए, आप चाहे ना हल्का सा इसे तवे पे भून के रख लीजिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि अभी बारिश के मौसम में थोड़े सिर से जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा क्रंची हो जाए, ये आपको खाने में मज़ा आएगा। एक चम्मच धनिया के बीज को एक चम्मच सौंफ के साथ मिला लीजिए, साथ में खाइए मिश्री का टुकड़ा। यहाँ पर आपको लेना है धागे वाली मिश्री। मिश्री से शुगर कैंडी भी कहा जाता है। धागे वाली मिश्री का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सी बीमारियाँ दूर होती हैं मिश्री का सेवन करके। हमारे पेट में ठंडक देती है, साथ ही साथ मिश्री जो होती है ये, इसका सेवन हमारे शरीर को अच्छा रखता है, हमारे दिमाग को भी ठंडक देती है मिश्री। तो मैं हमेशा इसी तरह से सौंफ और धनिए को मिक्स करके रखती हूँ। आप चाहें तो सौंफ की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें, 2-3 चम्मच सौंफ है तो 2 चम्मच धनिया के बीज डाल लीजिए। थोड़ा सा मिश्री मिला के खा सकते हैं, कभी कभी आप गुड़ मिलाकर भी खा सकते हैं। रोज़ खाना खाने के बाद 1 चम्मच धनिया के सिके हुए बीज सौंफ के साथ, बिना सौंफ के भी खा सकते हैं, मिश्री के साथ बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती, हाँ जो डायबिटिक है उन्हें मिश्री नहीं डालना है दोस्तों, उन्हें केवल धनिया और सौंफ के बीजों को चबा चबा कर खाना है, या धनिया का पानी भी पी सकते हैं। जो लोग बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, बेली फैट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, जगह जगह शरीर में चर्बी जम गई है, उन्हें क्या करना है, 1 गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच धनिया के बीजों को डालकर इसे ढाँक कर रात भर रखा रहने दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को पी लीजिए, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा जिन्हें वजन को कम करना है वे इस पानी को सादा नहीं पियेंगे, वे इस पानी को उबालेंगे, उसके बाद छानेंगे और फिर इस पानी को वे लोग पियेंगे। गरम पानी पीने से सुबह उठकर खाली पेट कोरिएंडर वाटर, वो भी गरम गरम पीने से हमारे शरीर में जमी हुई चर्बी तेज़ी से बर्न होगी, तेज़ी से पिघलेगी और हमें वज़न को घटाने में बहुत ही आसानी होगी। 1 सप्ताह लेकर देखें कोरिएंडर सीड वाटर। कई बीमारियां जड़ से समाप्त होती है, हमारे शरीर की सूजन को दूर करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को दूर करता है। जो हार्ट पेशेंट हैं, जो वज़न कम करना चाहते हैं, उन्हें भी धनिया का पानी सुबह उठकर खाली पेट जरूर पीना चाहिए। 10 दिन पीकर देखें, आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपके स्किन में जो ग्लो आएगा ना, चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे, एक्ने की समस्या बिल्कुल दूर होगी। धनिया का पानी पीने से आपके बालों के लिए भी बहुत ही एक गुणकारी है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। दोस्तों हम लोग कई बार ना हरे धनिया की पत्ती को पीस कर, मैं कई बार उसका रस अपने बालों पर मैंने लगाया है, धनिया का, हरा धनिया की पत्ती का रस बहुत फ़ायदेमंद है, तुरंत मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में आया है। उसी तरह से धनिया के बीजों का इस्तेमाल करने से, पानी पीने से हमारे स्किन और बालों पर भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा और हमें इसका रिजल्ट दिखाई देगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं ये सीड्स। धनिया का सेवन करने से, धनिया का पानी पीने से, धनिया को चबाने से गैस की समस्या दूर होती, क्योंकि हाजमा अच्छा होता है, ब्लॉटिंग, जो हमारा पेट भरा रहता है, पेट फूलने की परेशानी, वो सारी परेशानी दूर होती, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही साथ हमें धनिया का जब हम पानी पियेंगे, हल्का गरम गरम जब पियेंगे, तो ज्वाइंट पेन से भी हमें राहत मिलेगी। हड्डियों से जो कट कट की आवाज़ आती है, चलने फिरने, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते समय जो हड्डियों में दर्द होता है, वो सारी चीज़ें दूर होंगी।
लिकोरिया में भी बहुत फ़ायदेमंद है कोरिएंडर सीड वाटर। आयुर्वेद के हिसाब से थायराइड वालों को भी सुबह उठकर धनिए का पानी ज़रूर पीना चाहिए। हम सभी इंडियन किचन में होता है, हमारी मेमोरी को शार्प करता है और धनिए की तासीर ठंडी होती है। धनिया और मिश्री का सेवन करने से हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है। हमारे आँखों के लिए भी रोशनी के लिए भी धनिए का सेवन, धनिया मिश्री या गुड़ धनिए का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। तो गुड़ आप चाहें तो धनिए किस तरह से चाय बनाकर भी ले सकते हैं, मतलब पानी में उबालकर छानकर भी पी सकते हैं। चाहें तो धनिए के बीजों को छानने के बाद पानी को पी लीजिए। वज़न कम करना है तो चाय कॉफ़ी पीने से पहले खाली पेट पिएं, गरम गरम पिएं। बाकी लोग ऐसे भी पी सकते हैं इसे, और बीजों को चाहें तो चबाकर खा भी सकते हैं। आप इसे भूनकर सौंफ में मिलाकर किसी डिब्बी में स्टोर करें, मिश्री और गुड़ के साथ खाएं, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो इसका सेवन ज़रूर करें। पोषक तत्वों से भरपूर इसमें विटामिन ई होता है दोस्तों, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ मोटापे को, वात रोग को दूर करता है, हड्डियों की सूजन दर्द को, मांसपेशियों में जो अकड़न जकड़न होती है वो परेशानी दूर होती है, हमारे किडनी के रोग को दूर करता है, हमारे खून को साफ करता है, हमारे शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है धनिए का सेवन करने से। जिन्हें पथरी की परेशानी है दोस्तों, उन्हें भी इस धनिए के पानी को पीना चाहिए। औषधीय गुणों से भरपूर जो ये धनिया होता है, कोरिएंडर सीड्स होते हैं दोस्तों, डायबिटीज़ के लिए तो सबसे बेस्ट माने जाते हैं ये। इतना खट्टी रकार आती है दोस्तों, खाना हजम नहीं होता, इसे चबाएं या फिर इसका पानी पिएं, तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। ये इतना फ़ायदेमंद है वेट लॉस, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने, अर्थराइटिस, गठिया की एक रामबाण दवा है, तो इसका सेवन जरूर करें। जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कभी कभी मैं गुड़ के साथ भी इस तरह से अपने बच्चों को भी देती हूँ, सभी उम्र वाले धनिया कोरिएंडर सीड का सेवन करें। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें।